नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस वीडियो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा ये सेशन है वो इस बात पर होगा कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई फर्जी FIR दाखिल कर दी जाए या फिर कोई कंप्लेंट केस फाइल कर दिया जाए तो उसके कैरियर पर इसका क्या इफेक्ट होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा और अगर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, इसी बात पर चर्चा होगी इस वीडियो के अंतर्गत। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके खिलाफ कोई पड़ोसी या कोई व्यक्ति FIR दर्ज करा दे या आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट केस फाइल कर दे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हो ही गया तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हम इस अपनी चर्चा को दो भागों में बांटते हैं। एक तो ये कि अगर आप ऑलरेडी किसी सर्विस में हैं और उस दौरान आपके खिलाफ FIR हो जाए या कंप्लेंट केस फाइल कर दी जाए तो क्या आपकी जॉब नहीं रहेगी? जी नहीं, ऐसी बात नहीं। आपकी जॉब पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपके खिलाफ FIR हो गई है या आपके खिलाफ कंप्लेंट केस हो गई है। हाँ, लेकिन अगर इस FIR का प्रभाव ये होता है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद कम से कम 24 घंटे तक आपको कस्टडी में रखा जाता है, तो वो डिपार्टमेंट जिसके अंतर्गत अपनी सेवाएं आप दे रहे हैं वो आपको सस्पेंड कर सकता है। मैं बात कह रहा हूँ सस्पेंड कर सकता है। पहले तो सस्पेंशन कंपलसरी नहीं है और दूसरी बात ये है कि सस्पेंशन ही होगा, टर्मिनेशन नहीं होगा। तो सस्पेंशन जो होता है कुछ समय के लिए होता है और सस्पेंशन के दौरान ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि सैलरी का कुछ हिस्सा उस व्यक्ति को मिलता रहता है, सेवाओं से उस समय वो छुट्टी पर होता है, एक तरीके से साधारण भाषा में समझते हैं। टर्मिनेशन जब होता है यानी टर्मिनेट कर देने का मतलब होता है परमानेंटली छुट्टी कर देना, यानी नौकरी हाथ से चली जाना। बेसिक डिफरेंस फिलहाल इतना ही आप समझिए। तो सस्पेंशन होता है, टर्मिनेशन नहीं होता अगर आप जॉब में हैं तो। लेकिन सिर्फ FIR दर्ज हो जाने से या कंप्लेंट केस हो जाने से आपकी नौकरी नहीं चली जाती। इसका क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉ जो है वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट के कॉन्सेप्ट पर काम करती है, यानी निर्दोषिता की उपधारणा करती है कि प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि न्यायालय ने उसे दोष सिद्ध कर नहीं दिया है। तो इसलिए सिर्फ FIR कर देने से कोई व्यक्ति कन्विक्ट नहीं हो जाता, वो दोषी नहीं हो जाता। तो ये एक हिस्सा हो गया उसका। दूसरा हिस्सा ये कि अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है अभी और जॉब में जाने की तैयारी कर रहा है और उसी दौरान उसके नाम से कोई FIR हो गई है या कोई केस हो गया है, केस चल रही है, तो क्या अब उसे जॉब नहीं मिल पाएगी, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा? ऐसा नहीं है, उसके लिए भी ये बहुत बड़ी बाधा नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बात की है कि सिर्फ FIR या कंप्लेंट फाइल कर देने से आपकी नौकरी नहीं चली जाती है और न ही आप किसी प्रकार की नौकरी में या किसी प्रकार की जॉब में या किसी प्रकार की सेवा में जाने से वंचित हो जाते हैं सिर्फ इस आधार पर। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं उन स्टूडेंट के लिए ज़रूर कहूँगा कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब भी आप प्रिपरेशन करने के दौरान जब कोई किसी जॉब का फॉर्म भरते होंगे तो उसमें एकाक कालम इस बात के लिए ज़रूर रहता है कि क्या आपके खिलाफ कभी कोई प्रोसिक्यूशन हुआ है, क्या आपको कभी किसी अपराध के लिए कन्विक्ट किया गया है। तो वहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही सही दें। अगर वहाँ पर आपने इसकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी और बाद में पाया गया कि आपके खिलाफ तो कोई केस चल रहा है, तो आपको उस केस का परिणाम क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन आपने किसी फैक्ट को सक्रिय रूप से छुपाया है यानी आपने फ्रॉड किया है, इसके लिए तो आप दोषी हो ही गए। तो आप जो है नौकरी से वंचित हो सकते हैं इस आधार पर, गलत इन्फॉर्मेशन देने के आधार पर। इसलिए आपके खिलाफ अगर कोई मुकदमा चल भी रहा हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन सही सही डिपार्टमेंट को दीजिए, ताकि फ्रॉड के लिए तो कम से कम दोषी ना हो, कन्विक्शन होगा एक्विटल होगा वो तो बहुत बाद की बात है। एक बात, अगली बात इसमें और ध्यान रखना है कि मान लीजिए किसी के खिलाफ FIR हो ही गई, चाहे वो जॉब में है चाहे जॉब में नहीं है, FIR हो जाने पर अब करें क्या? तो उसका उपाय ये होता है कि आप इस FIR को क्वेश करा सकते हैं, उसको कैंसिल करा सकते हैं, उसको रद्द करा सकते हैं। इसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना होगा और हाई कोर्ट में इसके लिए पिटीशन लगानी होगी कि इस फर्जी FIR को रद्द कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट चाहे तो उस FIR को क्वेश कर सकता है, रद्द कर सकता है। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि कहीं मैं अरेस्ट ना हो जाऊं उस FIR के परिणाम स्वरूप, तो उसका भी उपाय है।
इसके लिए भी आप हाई कोर्ट जाके स्टे ऑर्डर ले आ सकते हैं कि इसको अरेस्ट ना किया जाए, या फिर सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपने गिरफ्तार होने से पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। और न्यायालय को अगर लगता है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और वो कोई ऐसा मजबूत कारण नहीं है, लगता है कि इसे सिर्फ परेशान करने के लिए मुकदमा किया गया है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल अलाउ कर देगा। तो जब भी आपको अरेस्ट करेगी पुलिस तो आपको तुरंत छोड़ देगी। तो ये एक उपाय है कि फर्जी FIR से कैसे बचें और इसका हमारे कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि सिर्फ FIR या कोई कंप्लेंट कर केस कर देने से किसी व्यक्ति की नौकरी यानी जॉब यानी सेवा समाप्त नहीं होती। एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मैं ये सारी बातें सिर्फ क्रिमिनल केस के संबंध में कह रहा हूँ। अगर किसी के खिलाफ कोई सिविल केस किया गया है और सिविल केस में वो सिविल केस हार चुका है तो इससे उसका जॉब पर कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो वो कन्विक्शन पर पड़ता है और कन्विक्शन केवल क्रिमिनल मामलों में होता है। उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आई होगी और इस तरीके के टॉपिक को मैं हमेशा आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा ताकि सामाजिक रूप से यानी जो लोग लॉ से जुड़े हैं जो लोग लॉ से नहीं जुड़े हैं ऐसे सारे लोगों को विधि संबंधी समस्याओं का समाधान मैं कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग अगली टॉपिक आपके पसंद के अनुसार रख सकें। थैंक यू, बाय बाय।